राजेश जोगेंद्र टुटेजा एट शोबिज एंड लेट मी शेयर विद यू माय रिव्यू ऑफ दिस वीक्स रिलीज छपाक। फिल्म का जैसा थीम है, फिल्म के जिस तरीके से प्रमोशन करी गई थी, फिल्म के बारे में जैसी बातें हो रही थी, तो इतना तो तय था कि दिस इज गोइंग टू बी अ सेंसिटिव अफेयर फॉर श्योर। मोर सो क्योंकि फिल्म में डायरेक्टर है मेघना गुलजार, जो उन्होंने तलवार बनाई है, जो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर थी, और उसके अलावा राजी भी बताई है जिसमें पेट्रियोटिज्म था, ड्रामा था, बट देन एक सेंसिटिविटी जरूर थी। और यहाँ पर जब सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनी है छपाक, तो अगेन बिकॉज ऑफ द कोर थीम कि एक लड़की है और उस पर एसिड अटैक होता है, तो उस अगर थीम के अराउंड फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली सेंसिटिव तो होगी। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी होता है। कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कास्ट में ऑफकोर्स है दीपिका पादुकोण, और शी इज डेफिनेटली एन अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस। काफी अच्छा काम उन्होंने किया है, बॉलीवुड में तो किया ही है, वो हॉलीवुड भी पहुंच चुके हैं, वहां पर भी उन्होंने काम किया, और यहाँ पर एक आम सिंपल लड़की का उन्होंने रोल प्ले किया है। और यहाँ पर उनको प्राइमरली उनको जो दिखाना था वो था अपनी परफॉर्मेंस, एंड दैट समथिंग दैट शी इज डन वेल। ना ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रामेटिक हाइज है या उस तरीके की हिस्ट्रियोनिक्स है जैसा कि उन्होंने पद्मावत में दिखाया, संजय लीला भंसाली की और फिल्मों में दिखाया, वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सटल तरीके से परफॉर्मेंस को लेके आना था, एंड शी डज वेल। एंड सेम होल्स ट्रू फॉर विक्रांत मैसी एज वेल, उनका इस फिल्म में एक रीजनेबल रोल है, इससे पहले भी फिल्मों में दिखाई दिए हैं, टीवी सीरीज में दिखाई दिए हैं, और जब भी वो आते हैं स्क्रीन पर एक कॉन्फिडेंस सर्टेनली लेकर आते हैं जो यहाँ पर भी देखने को मिला है। और इनके अलावा जो लड़का है जिसने एसिड अटैकर का रोल प्ले किया है वो भी अच्छे हैं, उसके अलावा जो दीपिका पादुकोण की लॉयर है उनका भी काम अच्छा है। सो फ्रॉम ओवरऑल द परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव एवरीवन डज वेल, एंड हेंस द स्कोर इज 3.5/5। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन के बारे में, फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार है, और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, चाहे वो तलवार थी या राजी थी, एक उनकी छाप उन फिल्मों में डेफिनेटली देखने को मिली, और ऐसा ही कुछ होता है छपाक में भी। बट हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कोर फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके का था कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हाइज नहीं ला सकते थे। दिस ऑल्सो नॉट वन ऑफ दोज फिल्म जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ला सकते थे, बट देन समहाउ मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी सी ड्राई अपील थी फिल्म की, अगर थोड़ी सी ज़्यादा और स्पार्क आ जाती ना, ऑफकोर्स एज अ डायरेक्टर एज अ राइटर वो क्या ला सकती थी, दैट्स समथिंग दैट शी नोज द बेस्ट। बट येस, दिस फिल्म कुड हैव हैड एन एज ओवर सम ऑफ द अदर फिल्म्स बिलोंगिंग टू दिस जॉनरा, बट स्टिल ओवरऑल एज अ डायरेक्टर शी न्यू दैट वॉट शी वॉज ट्राइंग टू मेक, एंड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट शी डज अ जॉब वेल, एंड हेंस अगेन द स्कोर इज 3.5/5। अब अगर हम बात करें फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में, तो फिल्म की जो प्रोडक्शन है वो एप्ट है, बिकॉज एक रियलिज्म दिखाना था तो इसलिए रियलिस्टिक लोकेशंस हैं, जो सेट्स वगैरह भी है वो भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फिल्मी है। जो ओवरऑल फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है या साउंड डिज़ाइन है, जो एडिट पैटर्न वगैरह है, वो रियलिस्टिक जोन में रखा गया है, विच मीन्स कि अगर आप वैसा सोचें कि कोई बहुत बड़े आप एक सिनेमैटिक अपील वाली फिल्म देखने जा रहे हैं तो वैसा नहीं है, बट देन क्योंकि फिल्म का जॉनरा ऐसा है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से रहती है, एंड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट द प्रमोशन द मार्केटिंग द रिलीज एंड ऑफकोर्स द ओवरऑल प्रोडक्शन स्टेज ऑन टू बी एप्ट, एंड हेंस अगेन द स्कोर इज 3.5/5। अगर हम बात करें अब टारगेट ऑडियंस और जॉनरा के बारे में, तो जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन के टाइम भी कहा था, प्राइमरली उनके लिए है जो रियलिस्टिक फिल्में थिएटर्स में देखना चाहते हैं, और ओवरऑल जब फिल्म देखते हैं तो आपको ऐसा लगता भी है। इसी वजह से प्राइमरली एट द अर्बन मल्टीप्लेक्सेज, जो हाई एंड मल्टीप्लेक्सेज है, वहाँ पर जिस तरीके की ऑडियंसेज है जो बड़ी सिटीज़ में फिल्में ऐसी देखते हैं, उनको ये जो फिल्म है वो पसंद आनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी ऑडियंसेज हैं उन तक ये फिल्म जो है ओटीटी और सैटेलाइट मीडियम के थ्रू पहुँचेगी, एंड हेंस द स्कोर इज 3/5। सो ओवरऑल अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूँ, सो ऑफकोर्स जो स्टोरी है वो डेफिनेटली ऐसी है कि आपने हेडलाइंस में पढ़ी है, जो परफॉर्मेंसेज हैं वो डेफिनेटली अच्छी है, प्राइमरली बिंग लेड बाय दीपिका पादुकोण। जो फिल्म की डायरेक्शन है वो रियलिस्टिक वाले जोन में है, नॉट वन ऑफ दोज फिल्म जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड एंटरटेनर्स, वो वैसा नहीं है, बट हाँ जिनको रियलिस्टिक फिल्में पसंद आती हैं, हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस एज आई सेड इन द अर्बन सेंटर्स एक्सेट्रा, वहाँ पर जो ये फिल्म है डेफिनेटली चलनी चाहिए। सो माई ओवरऑल रेटिंग फॉर द फिल्म इज 3.5 stars। जोगेंद्र टुडे साइनिंग ऑफ फ्रॉम शोबिज़।